हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल पे। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 5 की वीडियो, जो केमिस्ट्री 12th बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, तो वो होगा 31.76 ग्राम तांबा। ऑप्शन नंबर बी सही है। XeF4 का आकार कैसा होता है, वो होता है स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, तो सबसे प्रबल जो लिविस अम्ल है वो Bi3 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 और इससे हमको 2HI मिलेगा, इसमें साम्य स्थिरांक Kp किस पर निर्भर करता है, तो वो तापक्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर दिया हुआ Ka²b, तो इस अभिक्रिया का कोटि कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर आंसर होगा 3। किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, विलयन की मोलरता क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.25। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, वो है ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह है मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, वो होता है पारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम भाष्मिक कौन है, सबसे कम भाष्मिक होगा वो होगा NF3 का, ऑप्शन नंबर डी सही है। H2SO4 क्या है, तो एक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से हर्रा थोथा किसको कहते हैं, तो हर्रा थोथा बोलते हैं Fe SO4.7H2O, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, वो है डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी सही है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किससे किया जाता है, वो है फेन उत्प्लवन विधि, फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्क को दूर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 14 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, वो है ग्रुप नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका फेन उत्प्लवन विधि। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, वो है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैलाकाइट किसका अयस्क है, वो है कॉपर, सॉरी मैलाकाइट अयस्क किसका है, वो है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है, CuFeS2, अगर क्यू पाइराइट बोलेगा तो Cu2S, ये है कॉपर पाइराइट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो एल्युमिनियम का अयस्क का नाम है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। K4FeCN का हॉल 6 में ये क्या है, तो एक जटिल लवण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n ये एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इथेन में कार्बन का संकरण कितना है, तो इथेन में जो कार्बन का संकरण है वो sp3 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का जो शुष्क श्रवण देता है वो HCHO है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या को एन से सूचित करते हैं, इसका मान कितना होता है, वो होता है 6.022 × 10²³। यहाँ दिया है 06.023, तो अप्रोक्स में सही हो जाएगा। कभी कभी हम लोग 6.022 × 10³ देखते हैं, 23 देखते हैं, तो ये भी सही है और ऑप्शन नंबर इसमें भी सही होगा क्योंकि आसपास में ही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन में पाई इथाइन में पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, यानी कि पाई बॉन्ड की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होता है पाई बॉन्ड। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, वो है मेंडलीफ मेंडल, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो वो हो गया मेंडलीफ का, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, तो जो जिसको क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं वो है ऑप्शन नंबर सोडियम लोहा, ए कार्बन है, ए जिंक है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, तो क्षारीय भूमिज तत्व इसमें से कोई नहीं ऐसा दिख रहा है, तो इसमें से नोट करेंगे आंसर, यानी कि निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, इनमें से कोई नहीं। थैंक्स इस पूरे वीडियोज को देखने के लिए।